तो सब्सक्राइब करो, ये लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। मैं हूं आपका दोस्त सरोज सरकम अंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। यहां पे गाइस हम लोग आज बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल में सीजन 11 के अपडेट के बारे में, जो कि आपको 1-100 आरपी क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो मुझे कंप्लीट तो नहीं मिल गया 1-100 क्या क्या मिलेगा, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मुझे मिली है वो आपको बताने वाला हूं। और इवन कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाले जो आपको क्रेट में मिलेगी, न्यू इवेंट्स में मिलने वाली सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और गाइज अगर आप लोगों को लाइव स्ट्रीम देखना पसंद है यार तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाओ। डेली रात में 9 बजे के बाद मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, तो प्लीज यार बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूं रात में 9 बजे के बाद तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो गाइस यहां पे स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट इनटू दिस। आरपी में देखने को मिल सकती है ये वाली वंडरलैंड ट्रैवलर UMP-45 की स्किन, बहुत खतरनाक लग रही है, बहुत औसम लग रही है गाइज। मेरे को तो बहुत तगड़ी लगी ये वाली स्किन, जब मैं देखा तो बहुत आफत थी। ग्रीन ब्लू शेड में आ रही है, बहुत तगड़ी स्किन है यार। बहुत ये है कि यार UMP जब से 45 में आई तब से थोड़ी खराब हो गई है, यूज करने का मन नहीं करता, लेकिन ये वाली स्किन बहुत सूट कर रही है UMP-45 पे। नेक्स्ट गाइज बात करिए यहाँ पे AKM की स्किन, आप लोग देख सकते हो रोरिंग टाइगर AKM की स्किन है जो कि बहुत आफत है। ये वाली यार अपग्रेडेबल स्किन है, यस अपग्रेडेबल स्किन है यहाँ पे। ये आप लोग देखते हो AKM Level 1 लिखा है, फिर आपको Level 3 पे इस तरीके की देखने को मिलने वाली है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत खतरनाक लग रही है मुझे ये वाली भी, क्योंकि यार इस वाले पे आई थिंक सो कुछ अलग आ जाता है Level 3 पे। और फिर सीधा आपको लेवल यहाँ पे मैं 5 की दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट चेंज हो जा रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट पूरा चेंज हो गया है यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत तगड़ी हो जाती है Level 5 पे, और ये जाती है Level 8 तक पूरी कंप्लीट। आप लोग देखते हो यहाँ पे Level 5 तक मुझे लीक मिली है। नेक्स्ट गाइस बात करिए आप लोग ये देख सकते हो स्पीडी रेंडियर दासिया की स्किन, ये भी अपग्रेडेबल स्किन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पे Level 1 लिखा हुआ है, तो ये एक अपग्रेडेबल स्किन है, बहुत तगड़ी है यार गाइस, ये बहुत औसम है। इसकी बात करिए Level 2 पे कुछ इस तरीके की आप लोग देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा चेंजेस है और आगे में हेडलाइट चेंजेस आ रही है। और Level 3 यहाँ पे गाइस आप लोग देखते हो पूरी कंप्लीट चेंज हो जाती है और बहुत खतरनाक दिख रही है, देख सकते हो यार बहुत आफत बनाया है यार, एकदम खतरनाक स्पीडी रेंडी है दासिया Level 3 की, बहुत तगड़ी लग रही है। बट भाई ये अमीर लोगों की स्किन है भाई, अपने बस की बात नहीं है, ये अमीर लोगों की चोचली है, इवेंट्स और क्रेडिट्स वगैरह मिलती है। ओके गाइस नेक्स्ट बात करिए तो आप लोग देखते हो ये भी है जेम स्टडेड दासिया, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट ये आप लोगों का गाइस फ्री में मिलने वाली है, मतलब आरपी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, मे बी 70 या 80 आरपी के आसपास आपको ये वाली स्किन आरपी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गाइस बहुत तगड़ी आ रही है, मेरे हिसाब से आरपी के हिसाब से बहुत अच्छी स्किन है ये, बहुत अच्छी स्किन है, गोल्डन शेड में है ये। ओके नेक्स्ट बात करिए गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीट डांसर की यहाँ पे आपको स्किन देखने को मिलने वाली है पैराशूट की। आपको जैसे ही पता होगा स्ट्रीट डांसर 3 फिल्म आने वाली है अभी, वरुण धवन है, बहुत सारे लोग हैं यार उसमें, तो उससे रिलेटेड ये वाली हम लोग को नई एक पैराशूट की स्किन मिलने वाली है 24 जैन, इस पर लिखा हुआ है 24 जैन को फिल्म लॉन्च होने वाली है, तो हम लोग को ये स्किन पहले ही देखने को मिल जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। बट लेट्स सी, शायद ये कुछ इवेंट्स में भी आ सकती है या फिर कहीं आरपी के साथ आ गई तो आ जाएगी, तो अच्छी बात है गाइज। और नेक्स्ट गाइज बात करिए यहाँ पे एक और यहाँ पे नई स्किन देखने को मिल रही है पैराशूट की, जो यहाँ पे एक्सेल किंग लिखा हुआ है, तो लेट्स सी ये क्या नाम से क्या सीन में आती है, ये इवेंट्स में आती है कि ऐसी देखने को मिलता है, बट ये वाली भी सिंपल प्लेन में अच्छी मुझे लग रही है। ओके नेक्स्ट गाइस बात करिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा विंटर वार्म्थ बैकपैक, ये है एक लेवल का बैकपैक। ओके ये है Level 2 का बैकपैक विंटर वार्म्थ बैकपैक Level 2, फिर आता है Level 3 का बैकपैक विंटर वार्म्थ बैकपैक, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा बनाया है मेरे हिसाब से यार, बहुत अच्छा है, वो विलन टाइप वाला फील दिया, जो ऊन होता है ना ऊन, उस टाइप वाला फील दिया इस बैग में, तो लेट्स सी कैसा होता है। और गाइस बात करिए नेक्स्ट, ये राउडी रेड पैंडा बैकपैक Level 1 का बैकपैक है ये, Level 2 का ये वाला है राउडी रेड पैंडा बैकपैक, और Level 3 का ये वाला है राउडी रेड पैंडा बैकपैक। मेरे हिसाब से दोनों बैकपैक बहुत अच्छे हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा है, तो इसका फाइनल मतलब ये आता है कि दोनों अच्छा है भाई, अगर कंफ्यूज हो रहा हूं मैं तो मुझे दोनों अच्छा लग रहा है, दोनों बैकपैक बहुत अच्छा है, ये वाला राउडी वाला भी और जो मैंने पीछे वुलन वाला दिखाया वो वाला भी, दोनों तगड़ा बैकपैक। नेक्स्ट बात करी जाए यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो ये नया
हम लोग को देखने को मिलने वाला है प्लेन का स्किन वंडरलैंड ट्रैवलर फिनिश। अभी ये वाला जो प्लेन का स्किन है गाइज आप लोगों को आरपी में देखने को मिलेगा, अराउंड आरपी 40 या 45 के बीच में आप लोग को ये वाला देखने को मिल सकता है। बहुत तगड़ी स्किन है वंडरलैंड ट्रैवलर फिनिश स्किन। इस बार भी आप लोगों को यार आई थिंक सो हम लोगों को आरपी में देखने को मिल गया था, जल्दी देखने को मिला था जो हमारी ये कह सकते हो प्लेन की स्किन थी। एक तो हम लोगों को यार कह सकते हो आरपी 30 पे एक यूएस की स्किन मिली थी और आरपी 40 पे एक हम लोग को प्लेन की स्किन मिली थी, और हम लोग को मुझे ऐसा लग रहा है फिर से आरपी 40 या 45 पे मुझे वंडरलैंड ट्रैवलर फिनिश वाली देखने को मिल सकती है। ओके नेक्स्ट गाइस बात करी जाए तो आप लोग देख सकते हो ये आने वाला है सेट वंडरलैंड ट्रैवलर सेट। सेट बहुत सारे गाइस, बहुत सारे क्लोथ सूट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं सीजन 11 में एक बार फिर से। वंडरलैंड ट्रैवलर सेट आप लोग देख सकते हो बहुत तगड़ा सेट लग रहा है, ये ग्रीन ग्रीन पूरा है, तो ये पहन लोगे तो गिली सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरा ग्रीन ग्रीन है यार गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। नेक्स्ट बात करी जाए आप लोग देख सकते हो इनर फायर सेट है ये भी बहुत औसम है, थोड़ा चाइनीज कुनफू योगा वाले होते हैं ना वो टाइप का लग रहा है। बट अगर आप लोग ये वाला सेट पहनोगे और एंड सर्कल में आप लोग अगर यहाँ पे आपको प्रोन रहते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप लोग दिख जाओगे ये इनर फायर सेट में, बट दिखने में तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट गाइस बात करी जाए पिंक सनशाइन सेट है, आप लोग देख सकते हो ये लड़कियों वाला सेट है, तो जो भी मेरे भाई मेल कैरेक्टर लेके खेलते हैं आप लोगों के लिए नहीं है ये, बट दिखने में तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट गाइस बात करी जाए गिंगा ब्रेड मैन सेट, ये तो यार बहुत जोकर वाला सेट लग रहा है मेरे को, जिंजर ब्रेड का सेट है ये वाला। अभी देखो मुझे उतना खास लग नहीं रहा, बट मुझे जो लीक मिली है मुझे आप दिखाना फर्ज बनता है मेरा, तो वो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ यहाँ पे। ये ना हो कि भाई बाद में आप लोग बोले भाई ये अभी आया आपने दिखाया नहीं था, मैं ए टू जेड जो भी सारी चीजें दिखाता हूँ गाइस 100% पक्का आता है। आप लोग चाहे मेरी पुरानी वीडियो जाके उठा के देख लो, मैंने जो बताया है वो सारी चीजें आई है, कभी गलत चीजें मैंने शेयर नहीं करी है गाइस। इसीलिए यार बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले, हर लीक की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जाके आके वो वाली वीडियो देख पाओ। ओके नेक्स्ट गाइस बात करिए आप लोग देखते हो यहाँ पे चैलेंजर व्हील सेट आने वाला है। इसके ऊपर मुझे आप लोग देखते हो पीछे की तरफ किरु चैलेंज का मुझे लोगो देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस ये किरु चैलेंज वाले लोगों को मिलेगा या फिर किरु चैलेंज का कोई इवेंट आएगा उसमें आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, आरपी के लिए तो नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई इवेंट में आपको ये वाला देखने को मिलेगा। बहुत तगड़ा है ये वाला भी, बहुत औसम लग रहा है यहाँ पे, एकदम खतरनाक वाला यहाँ पे सेट है ये। नेक्स्ट गाइस बात करिए यहाँ पे देख सकते हो विंटर वॉर्म सेट एक और आया विंटर के नाम से, जैसा कि मैंने आपको बताया था विंटर नाम से बहुत सारे सेट आ रहे हैं, विंटर के नाम से बहुत सारी चीजें आ रही है, तो ये वाला भी मैं कहूँगा एकदम खतरनाक लगा यार, एकदम बोले तो फैंटेबुलस लगा मुझे को ये वाला सेट। बट ये रेड रेड और ब्लू ब्लू है, ब्लू तो थोड़ा मिलता है बट अगर रेड कलर आता है ना गाइज तो वो आप लोग को एंड के सर्कल में प्रॉब्लम देता है। ओके एंड के सर्कल में बंदे इजिली स्पॉट हो जाते हैं उससे, तो ये सेट भी मुझे बट वैसे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट गाइस बात करिए आप तो देखते हो स्नो फ्लेक बियर सेट, ये भी मुझे कुछ उतना खास लगा नहीं, पबजी ने पता नहीं क्यों लाया यार, पबजी को काम करना चाहिए लैग फिक्स पे ये सब पे, लेकिन भाई नहीं हमें सूट देना है, हमें ये देना है, फलाना ढिमका करना है, भाई लोग लैग पे तो काम कर लो यार, गरीब लोग हैं हम लोग, छोटे फोन में खेलते हैं लैग होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें यार पबजी हमारी बात सुन ही नहीं रहा, ना हैकर को बैन कर रहा है ना ही लैग फिक्स कर रहा है, बस अपडेट पे अपडेट अपडेट पे अपडेट। 1.5 GB से गेम चालू हुआ था, 1 GB से आ गया है पूरा 4 GB पे गेम, मैं थक गया हूँ भाई, लेकिन गेम फेवरेट है तो खेल रहे हैं भाई हम लोग, दिल पे पत्थर रख के खेल रहे हैं। ओके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है पूरा एक सेट। नेक्स्ट ये आप लोग देखते हैं स्नो ब्लश सेट है, ये भी बहुत अच्छा है यार, दिखने में शेड पे है बहुत अच्छा है, आप लोग देखते हो व्हाइट और रेड शेड में है, बहुत औसम लग रहा है ये वाला सेट भी, बहुत अच्छा है गाइज। नेक्स्ट बात करी जाए तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट खत्म होता है यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी क्या कुछ आप लोगों को नया मिलने वाला है इस वाले सीजन 11 के आरपी लीक्स में और क्रेट्स वगैरह में सब कुछ बता दिया। उम्मीद आपको गाइस ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसे ही मैं कोई लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँ या फिर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा इस वाला नया वाला सीजन के 11 के लीक्स, और कमेंट करना अगर आप लोग एंड तक मेरी वीडियो देख रहे हो ताकि मुझे मालूम पड़े कि कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखता है, नीचे कमेंट करके बता दो टाइम स्टैम्प के साथ कि मैंने एंड तक आपकी वीडियो देखी है। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड पीस आउट।